हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी को ये बताने वाला हूँ कि ट्रेन टिकट को लेकर रेलवे में जारी किया गया नया नियम। तो दोस्तों ये जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ और ये ऑलरेडी बहुत सारे न्यूज़ चैनल में पब्लिश कर दिया गया, रेलवे ने सबको ट्वीट करके बता दिया है या रेलवे ने न्यूज़ चैनल वगैरह लोगों को सबको पहले से ऑलरेडी बता चुका है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि मैं भी आप लोगों को एक जी न्यूज़ बोल के एक चैनल है, आप लोगों को पता होगा। जैसे कि देखिए ये आपको डेट शो हो रहा है 12 जुलाई 2023 9:04 रात को इसको पब्लिश किया गया रेलवे की तरफ से, ठीक है। तो आज इसी के मैं बारे में बताने वाला हूँ। जैसे कि अगर आप भी अपना ट्रेन का टिकट बुकिंग करवाए होंगे या करवाने का सोच रहे हैं तो रेलवे की तरफ से इसके नियम में कुछ बदलाव कर दिया गया है। रेलवे ने ट्रेन टिकट बुकिंग को लेकर नए नियम जारी कर दिए हैं जिसका फ़ायदा यात्रियों को मिलने वाला है, ठीक है। तो दोस्तों जैसे कि आप सभी को मैं बता दूँ कि रेलवे की तरफ से कुछ नियम आया है, बहुत पहले से नहीं, बस अभी हाल फिलहाल में इसको जारी किया गया। जैसे कि मैं आपको डेट दिखा चुका हूँ, तो आज हम आपको रेलवे के एक ऐसे नियम के बारे में बताएंगे जिसमें आप अपने टिकट को किसी को भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यानी यात्री अपना टिकट परिवार के सदस्य को, जैसे माता पिता, भाई बहन, बेटा बेटी, पति पत्नी को ट्रांसफ़र कर सकता है। आप अपना टिकट किसको कर सकते हैं ट्रांसफ़र? जैसे कि रेलवे के नियमों के मुताबिक आप अपना टिकट केवल अपने परिवार के सदस्य, जैसे माता पिता, भाई बहन, पुत्र पुत्री, पत्नी के नाम से ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। इसका मतलब यह है कि आप अपने करीबी दोस्त दोस्त आपके टिकट पर यात्रा नहीं कर सकते हैं, या करीबी जो रिलेटिव होते हैं वो आपका टिकट पर यात्रा नहीं कर सकते, उनका नाम ट्रांसफ़र नहीं हो सकता है। आपका सिर्फ ब्लड रिलेशन जो है उनका नाम ट्रांसफ़र हो सकता है। कैसे कराए ट्रांसफ़र, नाम ट्रांसफ़र कैसे आप करवाइएगा? तो टिकट को ट्रांसफ़र कराने के लिए आपको सबसे पहले उस टिकट का प्रिंटआउट लेना होगा। मतलब अगर आप ऑफलाइन बुकिंग किए हैं काउंटर से या ऑनलाइन टिकट बुकिंग किए हैं तो उसका प्रिंटआउट लेकर अपने नज़दीकी रेलवे स्टेशन पर जाना होगा। और टिकट को जिसके नाम से ट्रांसफ़र करवाना है, जैसे मान कर चलिए जिसके भी नाम से टिकट ट्रांसफ़र करवा रहे हैं उसका कोई एक आईडी प्रूफ जैसे कि आधार कार्ड भी लेकर जा सकते हैं। और लगाने के बाद में आपको बाय चांस कोई कोई ऐसा काउंटर होता है जो आपसे एप्लीकेशन फॉर्म मांगता है, मतलब बोलता है कि फॉर्म पर अपने लिख के दीजिए कि आपका रिलेटिव लगते हैं वो सब, और नहीं तो आपको जो काउंटर पे जो रिसिप्ट मिलता है फॉर्म भरने के लिए टिकट बुकिंग फॉर्म, आप वो भी फिलअप करके जमा दे सकते हैं और आपका नाम चेंज हो सकता है। 24 घंटे पहले आपको नाम ट्रांसफ़र करना पड़ता है। रेलवे के नियमों के अनुसार टिकट किसी और के नाम से ट्रांसफ़र कराने के लिए आपको 24 घंटे पहले अप्लाई करना होगा। अगर आपको शादी में जाना है तो 48 घंटे पहले अप्लाई करना होगा। सिर्फ एक बार मिलता है मौका। आपको बता दें कि आप अपना टिकट केवल एक बार ही ट्रांसफ़र कर सकते हैं और उसको बार बार बदल कर किसी और के नाम से नहीं कर सकते हैं। तो आप समझ ही गए होंगे कि ये आप एक बार ही चेंज करवा सकते हैं, आप बार बार चेंज नहीं करवा सकते। सो आई होप कि आप सभी को मेरा ये जानकारी काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारा अगला वीडियो आप तक पहुँच सके।